कि ये सांप्रदायिकता का जिन जो है बोतल में बंद है, इसको मत खोलो। जिस दिन ये जिन खुल गया, ये बोतल में आप इसको डाल नहीं पाओगे। दुर्भाग्य से ये जिन अब बोतल से निकल चुका है, और यही हमारी सबसे बड़ी आज चिंता का विषय है। और वही जिन जो है आज इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। हमने देखा है 3 महीने से प्रधानमंत्री चुप, और प्रधानमंत्री जी जिस विचारधारा से आते हैं वो आज से नहीं, बहुत समय से, कैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट को कैसे उद्दलित करके वहां पर जो आदिवासी समूह है उसके कैसे उसको कमजोर किया जाए, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। हम रूढ़िवादी परंपराओं में प्रभावित हो जाते हैं, और रूढ़िवादी परंपराओं से प्रभावित होकर हम उन लोगों को चुनकर बैठा देते हैं जो लोग आज इसको, इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क में गलतफहमी फैलाकर, अफवाहें फैलाकर लोगों के बीच में इतनी गहरी खाई कर देते हैं, उसको पाटना आज मुश्किल है। सम्मानित मंच, सम्मानित सभी देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर प्रस्ताव यहाँ पे रखे गए हैं, 2 प्रस्ताव रखे गए हैं, उनका मैं अपनी पार्टी की ओर से समर्थन। भारत की मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कास्ट, मल्टी लैंग्वेज देश में जो भारतीय संविधान में हम लोगों ने उसको एक संघीय ढांचा दिया है, उसके अंतर्गत विभिन्नता में एकता ही उस, यदि हम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए समाज को धर्म में, जाति में या अन्य किसी बात पर बांट दें, हो सकता है कि उससे हमको राजनीतिक लाभ हो, लेकिन मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को सबसे बड़ा खतरा होता है। आज हमारी चिंताएं और जवाबदारी पर चर्चा है। चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस पार्टी का शासन देश में है उसका मूल जो विचार है वो 1925 से लेकर आज तक उसमें कहीं परिवर्तन का कहीं लक्षण नजर नहीं आता। जो कि शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि एक समूह यहाँ ऐसा है जिसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, जिसको कि भारतीय संविधान पर ही भरोसा नहीं है, और जिसने लगभग आज 100 साल होने आए, अपने पूरे समय में उन्होंने अपना मुखौटा जरूर ओढ़ के रखा, लेकिन चेहरे में, विचारों में कहीं उसका कोई परिवर्तन कहीं नजर नहीं आया। आज विचारधारा का व्यक्ति इस देश का प्रथम सेवक अपने आप को कहता है, और जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, कम से कम मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां इन लोगों ने, जिसको अपनी नर्सरी कहते हैं, उस इलाके से मैं आता हूं। ये विकास की बात करेंगे, हर तरह की बात करेंगे, लेकिन वो केवल देश को और इस लोकतंत्रीय ढांचे को जितना कमजोर कर सकते हैं करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये
अपने आप को धार्मिक कहते हैं, लेकिन सही पूछिए तो जो हमारी हजारों वर्ष की सनातनी परंपरा है उसके ठीक विपरीत इनके आचरण। आपने अपने प्रस्ताव में वासुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किया है। ये वो देश है जहां हजारों साल से हम लोगों ने पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखा है, और वही तो भारतीय संविधान का मूल आधार है कि हम सब एक हैं। और उसमें आज जो कुछ हुआ है और 2014 से लेकर आज तक जो भारतीय सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए जो कुछ खतरा हुआ है वो हमारे सामने है। मैं आभारी हूं मलिक साहब का जो उन्होंने पुलवामा के बारे में बात कही, और यही बात मैंने शुरू में कही थी तो मुझे पूरे देश की इनकी ट्रोल आर्मी ने जो कुछ कहना था उसके तो मैं आदी हो चुका हूँ, मुझे चिंता भी नहीं ना मुझे डर लगता है उसका, क्या क्या नहीं कहा मेरे बारे में, लेकिन बात सही निकली। जो प्रश्न उठाए गए वो आपके सामने हैं और उसका उल्लेख मलिक साहब हमारे महामहिम महोदय बाद में करेंगे। बात वही है, ये पूरा जो समूह है ये वो समूह है जो भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारे भारतीय संविधान और भारत के विभिन्नता की एकता में अगर कोई है तो वो विचारधारा है जो इस भारतीय संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे रखते हुए हमारे समाज को तोड़ने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतेंगे और कहीं किसी को लाज शर्म भी नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं कि आज क्या हो रहा है, कैसे एक दूसरे के बीच में लड़ाई कराकर हम उसका समर्थन लें, ये उनका राजनीतिक मूल आधार है। इस बात को इस देश को समझना पड़ेगा। मणिपुर के बारे में बहुत कुछ हमने देख रहे हैं, हमने देखा है 3 महीने से प्रधानमंत्री चुप, और प्रधानमंत्री जी जिस विचारधारा से आते हैं वो आज से नहीं बहुत समय से, कैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट को कैसे उद्दलित करके वहां पर जो आदिवासी समूह है उसके कैसे उसको कमजोर किया जाए, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। उनका पूरा देश में एक मुहिम चली हुई है उनकी कि जो आदिवासी ईसाई हो गया उसका आदिवासी का जो रिजर्वेशन है आरक्षण है वो समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये पूरे देश में माहौल चलाया हुआ है, और ये वो लोग हैं जो कभी पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगे, कभी एजिटेशन नहीं करेंगे। इनकी सबसे बड़ी शक्ति है विस्परिंग कैंपेन, और ये विस्परिंग कैंपेन ही इतनी खतरनाक है कि पूरे देश में ये माहौल बनाया हुआ है कि अगर आप नहीं संभले तो हमारे मेजॉरिटी को खतरा है, और ये लोग कुछ दिनों बाद मेजॉरिटी हो जाएंगे और हम माइनॉरिटी हो जाएंगे। ये पूरे देश में विस्परिंग कैंपेन है, और मैं आपको कह सकता हूं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने मुझको ये चिंता व्यक्त की है। यदि सेंसस फिगर्स देखें आप, जनगणना देखें, तो लगातार जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के पॉपुलेशन का है, और इस बात को हम कह सकते हैं, और डेमोग्राफिक डेमोग्राफर से आप बात कर लीजिए वो इस बात की तस्दीक करेगा कि 2021 का भी जो सेंसस फिगर्स वो लोग न जाने क्यों इसको पब्लिश नहीं कर रहे हैं, किसी भी हालत में
हमारे हर समूह का, समाज का, धर्म के लोगों का कि जो जनसंख्या है वो स्टेबलाइज हो जाएगी 2.1 पर आकर। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यही नहीं रुके हैं अभी, इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर महामहिम महोदय पूंछ में भी चालू कर दिया है, वहां पर भी आरक्षण का मुद्दा कि वहां पर मुस्लिम को आदिवासी का आरक्षण मिला हुआ है, अब वो गैर गुर्जर मुसलमानों को भी पहाड़ी के रूप में सभी को आरक्षण देना चाहते हैं, जिसका विरोध वहां हो रहा है। ये बात समझ लीजिए कि इनका सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो यही है, कैसे फूट डालो और राज करो। अंग्रेज छोड़ के चले गए, अब ये उसी रणनीति को इन्होंने यहाँ पर अपनाया हुआ है। अब दूसरा है, जिम्मेवारी किसकी है? भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो मतदाता की होती है, और जो सरकार चुनोगे वो आप ही की मंशा के अनुसार है। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कि एक जमाने में 2014 में के पहले हमारे प्रधान सेवक जी के बड़े प्रशंसक हुआ करते थे, प्रधान सेवक के गुणगान किया करते थे, लेकिन आज वे सब उनके बड़े आलोचक बन चुके हैं। उससे काम नहीं चलेगा। आखिर ये लोकतंत्र में हमारे इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जिम्मेवारी अपने, और आज यदि कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है या एक विचारधारा जिम्मेवार है जिसकी वजह से आज इस पूरे हमारे भारत के संघीय ढांचों पर खतरा मंडरा रहा है, वो विचारधारा है जिसके प्रधान सेवक आज इस बात के लिए जिम्मेवार है। तो विचारधारा और व्यक्ति दोनों अगर जिम्मेवार हैं तो वही है जिनका मैंने आपके सामने उल्लेख किया है। हमारे जलसा का भाषण हुआ, हम पूरा सम्मान के साथ उनका आदर करते हुए उनके विचारों से सहमत हैं, लेकिन लोकतंत्र में यदि राजनीतिक नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। पॉलिटिशियंस को गाली देना बड़ा आसान है, आकर अपनी जिम्मेदारियां निभाना और अपनी विचारधारा के अनुसार हम लोग काम करना, ये अपने आप में चुनौती है। मैं, हमारी बहन, आपने जिस भावुकता से अपनी इस भारत की जो सोशल इविल्स को भी साथ रखते हुए आपने जिस बहादुरी से जो भाषण दिया है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम, बहुत बहुत बधाई आपको। यही भारत है, हम रूढ़िवादी परंपराओं में बह जाते हैं, हम रूढ़िवादी परंपराओं में प्रभावित हो जाते हैं, और रूढ़िवादी परंपराओं से प्रभावित होकर हम उन लोगों को चुनकर बैठा देते हैं जो लोग आज इसको, इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क में गलतफहमी फैलाकर, अफवाहें फैलाकर लोगों के बीच में इतनी गहरी खाई कर देते हैं, उसको पाटना आज मुश्किल है। 2014 में जब भाषण देने का मौका मिला था, तब मैंने इस बारे में आगाह किया था कि ये सांप्रदायिकता का जिन जो है बोतल में बंद है, इसको मत खोलो। जिस दिन ये जिन खुल गया, ये बोतल में आप इसको डाल नहीं पाओगे। दुर्भाग्य से ये जिन अब बोतल से निकल चुका है, और यही हमारी सबसे बड़ी आज चिंता का विषय है, और वही जिन जो है आज इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद।